देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी, मैं हूं खुशबू सिंह। बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने हमारे संवाददाता राजेश यादव से खुलकर बातचीत की। रमेश जी, आप अपने क्षेत्र में अभी तक कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं? ये ऐसा है कि हमारे विधायक, हमारी सरकार को एक वर्ष हुआ। अगर आप एक वर्ष की बात कहेंगे तो एक वर्ष में हमने लगभग 100 हैंड पंपों का प्रस्ताव दिया है, जो कि अभी लगना शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ हमने लगभग 80-86 सड़कें अपनी विधायक निधि से दिया है, उसका भी काम अभी उसका टेंडर उंडर होने वाला है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने हर बाज़ार में एक एक यात्री प्रतीक्षालय और एक एक सोलर लाइट, बड़ी वाली 4 लाइट वाली, हमने उसका भी प्रस्ताव दिया है। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसके चलते जो है अभी लाइट नहीं लग पाई, लेकिन उसका भी काम मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आने वाले अप्रैल में जो है उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये तो हमारी विधायक निधि की बात हो गई। रही बात सरकार की, अभी तक हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में कुल 246 किलोमीटर सड़कों का हम लोगों ने या तो गड्ढा मुक्ति के तहत उसको गड्ढा मुक्त कर दिया, या जो सड़कें, कुछ सड़कें ऐसी थी जो कि नई बननी थी वो सड़कें नई बन गई, यानी गड्ढा मुक्ति और नई सड़कें दोनों मिला करके लगभग 246 किलोमीटर हम लोगों ने सड़क बनाया। सड़क के साथ साथ हमारे यहाँ नगर पंचायत, अभी नवसृजित नगर पंचायत है, नगर पंचायत का जो है वहाँ कोई कार्यालय नहीं था, और कार्यालय न होने की वजह से वहाँ न कोई कर्मचारी था न कोई स्टाफ था। मैं अपने विधायक बनने के बाद सबसे सर्वप्रथम मैंने वहाँ एक नगर पंचायत में बेहतरीन मैंने कार्यालय का निर्माण कराया, न कि कार्यालय का ही निर्माण कराया बल्कि वहाँ पूरे समस्त स्टाफ की, कर्मचारियों की नियुक्ति कराई, उसके अलावा सफाई कर्मी की नियुक्ति कराई। हर जगह जो कंटेनर होते हैं कूड़ेदान के, उस कंटेनर को मैंने हर चौराहे पर मैंने रखवाया। जहाँ जहाँ उपयोगी थी लाइट, उसकी मैंने लाइट की व्यवस्था कराई। आपका विधानसभा क्षेत्र सुनने में आ रहा है कि विकास के मायने में सबसे आगे है, यूपी में भी सबसे पहले पायदान पर पहुँचने वाला है, इसके लिए आपका क्या कहना? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक बहुत बड़ी जानकारी मुझे दिया है, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और जहाँ तक आशा है कि देखिए, हम मन से काम करना चाहते हैं, दिल से काम करना चाहते हैं। जनता की जो वाकई में जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, जो ज़मीन नीचे का जो पायदान है, जो वाकई हमारी सरकार की जो सोच है कि जो दलित, मजलूम, कमज़ोर और जो पात्र हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके तक हमारे योजना सरकार की पहुँचे, उसी के तहत मैंने 39 करोड़ रुपए मैंने किसानों का कर्जा माफ़ किया है, जिसका स्वीकृति पत्र मैंने अपने हाथ से स्वयं मैंने वितरित किया है, स्वयं मैंने ही वितरित किया है। लगभग 2400 मैंने आवास मेरी विधायक बनने के बाद मैंने बनवाए। मैंने भी बताया था 14-15 इंटरलॉकिंग मैंने नगर पंचायत में बनवाया। उसके साथ साथ हमने लाइट की व्यवस्था, जो लाइट बड़ी ख़राब रहती थी, आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि 18 घंटा हमारे क्षेत्र में गांव स्तर पर लाइन मिल रहा है। और सबसे बड़ा मैंने जो काम किया है, आप विश्वास, आपको मैंने ताजुब होगा कि हमने विधायक बनने के बाद एक लेदुका में एक सब स्टेशन का निर्माण करा करके उसका उद्घाटन भी करा दिया, और इसके साथ साथ 8 MVA का ट्रांसफार्मर, 2 सब स्टेशन सहोदरपुर और सिंघरामऊ में मैंने 8 MVA का नए ट्रांसफार्मर मैंने लगवाए। एक 8 MVA के ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है लगभग 100 से 150 गाँव को बिजली सप्लाई करने की, तो ये मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी जो है 10 सीटों में से 9 सीट पर अपनी जीत हासिल की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो तो हमारा तय ही था, 9 सीट तो जीते हमारे लिए, एक सीट हमने छोड़ दिया विपक्षियों के लिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम 10वीं सीट पर भी प्रत्याशी लड़ाते तो वह भी प्रत्याशी हमारा जीतता, सिर्फ इसलिए जीतता कि हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास की बात करती है और सबका काम करती है। और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो है, अगर 10वीं सीट पर लड़ाता है तो जो समाजवादी पार्टी के कई विधायक थे, बसपा के कई विधायक थे, कांग्रेस के जो विधायक थे, वो भी हमारे 10वें सीट पर जो है हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी को अपना वोट देते, और हमने जो समझा, जो हमने नज़दीक से देखा कि वो 10वां प्रत्याशी भी हमारा जीतता,
लेकिन अब हमारी पार्टी की जो मंशा थी कि भाई एक सीट जो है विपक्षियों के लिए छोड़ दी जाए, इसलिए 9 तो हमारी पक्की ही थी, 10वां जो है हम लोगों ने सिर्फ छोड़ दिया कि इनका भी कहीं ना कहीं कोई वजूद बचा रहे। आने वाले लोकसभा 2019 का लोकसभा चुनाव, क्या बीजेपी फिर से अपना कमल खिलाएगी या इस पे महागठबंधन भारी पड़ेगा? कमल ही नहीं खिलाएगी, वरन हम 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे। जो अभी हम जो है 80 सीटों पर हमारा लक्ष्य है कि 80 प्लस पर हम काम कर रहे हैं और हम 80 सीटें लोकसभा की जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त जनता का विश्वास है और उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अरविंद दीक्षित के साथ राजेश यादव, यूपी लाइव टीवी, लखनऊ। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी लाइव टीवी, क्योंकि हम दिखाते हैं हकीकत प्रदेश की।